यदि आप सब लोग एयू एंट्रेंस एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी कोर्स में इस साल, तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बता दें कि अभी तक केवल हमारा चैनल ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की जो भी मतलब समस्याएं हैं उसकी अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप तक जो है सोल्यूशन पहुंचा रहा है। बड़े चैनल हो चाहे छोटे चैनल हो, कोई भी चैनल अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रहा है, बिकॉज अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो ब्रोशर है ये इतना लेंदी मतलब जारी किया गया कि NTA से मैच ही नहीं कर पा रहा है। फिर भी मैं थोड़ा सा समझकर आपको स्लॉट वगैरह जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ, कितने कोर्स शामिल है, मतलब सारी चीज़ें अभी तक हमने कई वीडियोस के माध्यम से आपको समझाया है और आगे भी मैं आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ अहम बिंदुओं के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आपका इस बार CUET के कोर्स मतलब CUET के माध्यम से यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, उसमें कौन कौन से कोर्स हैं जो मेजर कोर्स हैं, ठीक है, ज़्यादा अवेलेबल, तो उसमें आपका BA है, BSc है, BCOM है, BLLB है, BPA है और BFA है, ठीक है। ये कोर्स यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके मतलब अवेलेबल है UG कोर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर BA कोर्स में अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, ठीक है, तो इन पहला जो आपका है यहाँ पर इन्होंने रखा है हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेना है आपको, और BA कोर्स के लिए ये 6 डोमेन रखे हैं, ठीक है, और डोमेन में 6 सब्जेक्ट आपको चुनना है। सवाल यहाँ पर उठ जाता है कि 6 सब्जेक्ट में कौन कौन सा लेना है, क्या 6 का 6 वो लेना है, तो देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको सब्जेक्ट चुनना होगा और सब्जेक्ट आपके 3 ही डोमेन होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो भी आपका यहाँ पर आएगा उसमें से सेलेक्ट करना होगा, बट अभी इनके ब्रोशर से इतना क्लैरिफिकेशन नहीं है कि हम आपको पूरी तरीके से स्पष्ट बता दें, हम लगे हुए हैं इस चीज़ को क्लियर करने में, जैसे ही क्लियर होगा मैं आपको पूरा अपडेट दे दूंगा, ठीक है। फिर BA कोर्स में आपको GT देना होगा, मतलब जर्नल टेस्ट देना होगा, ठीक है, ये तो सब समझ में आता है, थोड़ा डोमेन को लेकर BA कोर्स में आपको कंफ्यूजन है। अब BSc कोर्स के लिए भी सेम है, यहाँ पर मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चुन सकते हैं और मिनिमम 2 डोमेन की बात करें, बाकी हिंदी इंग्लिश रहेगा ही, GT यहाँ पर रहेगा। BCOM के लिए एकदम मतलब सिंपल है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश रहेगा और GT रहेगा, उसके साथ साथ डोमेन में कॉमर्स ले लीजिए या फिर PCBM मतलब कि PCBM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ में से कोई 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, मतलब आप BSc के थ्रू आउट भी BSc में भी 2 सब्जेक्ट मिनिमम कह रहा है लेने के लिए, तो आप उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट लेकर BCOM में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या फिर कॉमर्स से भी आप BCOM में एडमिशन ले सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो ब्रोशर था CUET से वहाँ पर मैंने निकाल कर देखा है, ठीक है। BLLB की बात करें तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब कि यहाँ पर सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना होगा, जनरल टेस्ट आपको पढ़ना होगा, यहाँ पर लीगल स्टडीज़ आपके लिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डालना होगा, ठीक है। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारा चैनल आपकी प्रिपरेशन भी करवाएगा, अभी थोड़ा 1-2 दिन इन सब चीज़ों को बताने में टाइम लग रहा है, जल्दी ही मैं जनरल नॉलेज सॉरी GT जो है आपका जनरल टेस्ट में इसमें चारों मतलब कि टॉपिक के प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगी, लेकिन अभी 1-2 दिन टाइम लगेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा BA BSc के लिए तो जो स्पेशल वीडियो है वो मिलेगी आपको, ठीक है। अगला है BPA कोर्स के लिए हिंदी और इंग्लिश जो है आपका यहाँ लैंग्वेज रहेगा और डोमेन में परफॉर्मिंग आर्ट रहेगा और जनरल टेस्ट आपको देना होगा। BFA कोर्स के लिए बात करें हिंदी और इंग्लिश देना होगा और जनरल टेस्ट देना होगा, डोमेन में आपको जो है फाइन आर्ट देना होगा, विजुअल आर्ट देना होगा और मतलब कि एक CA का क्या फुल फॉर्म होता है, कमर्शियल आर्ट बोलते हैं क्या, इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है, मतलब तीनों नहीं देना है, तीनों में से कोई एक देना है, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से भी आपको कुछ जो डाउट है वो दूर हुए होंगे, और अगर आपके डाउट बनते हैं तो कमेंट करते रहिए, आपके डाउट को पढ़कर हम उसका एनालिसिस करके आप तक उत्तर पहुँचाते रहेंगे, थैंक यू सो मच। बाकी और किसी भी चैनल पर देखोगे तो कहेंगे फॉर्म आ गया है भरना स्टार्ट कर दिए, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अभी 10 दिन 15 दिन फॉर्म भरिए ही मत, अगर भर दिए तो फिर फंस गए, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।